चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, जो कि होने जा रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टीम मिल जाता है, जहाँ पे मिलते हैं आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन, वाइस कैप्टन। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये मैच कहाँ पे हो रही है, एवरेज स्कोर क्या जा सकती है, कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर खेलेंगे, और आपके लिए एक टीम यहाँ पे तैयार होके आपको मिल जाता है और बता दिया जाता है कि इस टीम में आपको किसको रखना है, किसे ड्रॉप करना है, दूसरे टीम में किसे सिलेक्ट करना है, ये सारी चीजें। और फाइनल टीम जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये मैच जो है 12th मैच होने जा रही है, 14th अक्टूबर 2023 को 2:00 में ये मैच होने जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने जा रही है। वहाँ का पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट जो है बैलेंस है, और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर रिपोर्ट स्मोकी वेदर रहने वाला है। यहाँ पे टोटल मैचेस 29 हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 16 मैचेस विन किए हैं, बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 13 मैचेस विन किए हैं। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 365 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। हाईएस्ट चेज स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट चेज स्कोर यहाँ पे 325 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 237 प्लस जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो भी इंडिया का प्रोबेबल प्लेयर खेले जा सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो इतने सारे प्लेयर जो है इंडिया से खेले जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान से कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर खेले जा सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे है अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सौद शकील, इफ्तिखार अहमद, सदाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, हैरिस रॉफ और यहाँ पे साहिन अफरीदी। ठीक है, तो इतने सारे प्लेयर जो है आपको पाकिस्तान से खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का यूजर आईडी, जो कि आपको ज्वाइन कर लेना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी जो आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है वैसे ही सर्च करना है अपने टेलीग्राम पे, और पहुंच जाएंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको सब्सक्राइबर हमारा मिल जाएगा, 17,000 के लगभग हमारा सब्सक्राइबर है। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री टीम आपको प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल फ्री, एसएल और जीएल दोनों ही टीमें आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलती है। और कैप्टन वाइस कैप्टन आप जाके चेक कर सकते हैं, पिछला मैच भी हमने बहुत ही अच्छा करा, क्लीन स्वीप करा है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएल और जीएल दोनों ही टीमें आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है। हमारे नाम से कई सारे फेक आईडी बने हुए हैं, वहां पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहां से आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड मैचेस, किसने कितने मैचेस विन करे उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया ने यहाँ पे कुल 56 मैचेस विन करे और पाकिस्तान ने 73 मैचेस विन करे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और डेथ ओवर बॉलर में किस प्लेयर को हमें सिलेक्ट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिलेगा और विन कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्मॉल लीग में सिलेक्ट करना है, एसएल वाली टीम में कौन कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला हो जाता है आपका विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान और हैरिस रॉफ। इनको आप एसएल वाली टीम में जरूर से जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, तभी आप एसएल विन कर पाएंगे। ठीक है, जीएल वाली टीम में आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, बाबर आजम और इमामुल हक, इसको आपको जीएल वाली टीम में सिलेक्ट करना है। जीएल वाली टीम में इसलिए सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिस्क लेना है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे जीएल वाली टीम में तो आप विन नहीं कर पाएंगे। कितना भी आप कोशिश कर लें, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप जीएल विन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो डेथ ओवर बॉलर की बात करें, डेथ ओवर बॉलर में और बॉलर से आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिल सकता है, जैसे ही एक विकेट गिरता है, आपको पता है कि 25 पॉइंट जो है एक विकेट से मिलता है, तो आप बॉलर को, अच्छे बॉलर को सिलेक्ट करेंगे, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा विकेट लेके ज्यादा पॉइंट वो दे सकते हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी आपको खेल के दे सकते हैं। ठीक है, और आपको विन भी करा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है डेथ ओवर बॉलर को आपको सिलेक्ट करना है, तो वो है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और यहाँ पे हैरिस रॉफ, साहिन अफरीदी। तो ये 4 प्लेयर को आपको डेथ ओवर बॉलर में सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हो गया।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, तो कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ प्लेयर के नाम जिसको आपको सारे टीमों में रोटेट करना है। अगर आप 5 से 6 टीम बनाते हैं तो सभी टीमों में आपको रोटेट करना है, उससे ज्यादा अगर टीम बनाते हैं उसमें भी आपको इसी को रखना है। साथ में आपको यहाँ पे एक टीम भी मिल जाता है, उस टीम में आपको 5 से 6 टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन भी मिल जाता है। तो बने रहिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा टीम और कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाएगा और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपको यहाँ पे बाबर आजम, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं एक दूसरे को टीम में, ठीक है, सारी टीमों में। ये फर्स्ट टीम का आप बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, ये सेकंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं इस तरह से, थर्ड टीम का, और फिर यहाँ से इनको आप रोटेट कर सकते हैं, ये फोर्थ टीम का बना सकते हैं, कुछ इस तरह से आप सभी टीमों में रोटेट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक टीम जहाँ पे मिलते हैं आपको बेस्ट प्लेयर, ठीक है, और किसे ड्रॉप करना है, किसे दूसरे टीमों में सिलेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाती है। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट करा है यहाँ पे केएल राहुल को, रिजवान को आप दूसरे टीमों में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस वाले टीम में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रिजवान को तो आपको बैटर या बॉलर में से किसी में से भी आपको एक प्लेयर को कम करके यहाँ पे रिजवान को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे टीमों में रिजवान को और केएल राहुल को ले सकते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ए शफीक और यहाँ पे एस शकील, ठीक है, और यहाँ पे है एस खान, सदाब खान और रविंद्र जडेजा, ठीक है। तो ऑलराउंडर में हमने इन दोनों को सिलेक्ट करा है, और यहाँ पे आ जाते हैं बॉलर में, तो बॉलर में एच अली, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और हैरी श्रॉफ को हमने सिलेक्ट करा है। आप शाहीन अफरीदी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा कि आपको बैटर या फिर ऑलराउंडर में से किसी एक को ड्रॉप करके बॉलर की संख्या बढ़ा सकते हैं, तो वो दूसरे टीमों में आप कर सकते हैं, ठीक है, उस तरह से। तो चलिए अब बारी है कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा केएल राहुल, केएल राहुल अगर आप रिजवान को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो केएल राहुल और रिजवान को दोनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और यहाँ पे एक टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हमने देख के रखा है, विराट कोहली और शफीक, ठीक है, तो इन दोनों को आप बना लेंगे, ये आपके सेकंड टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाएंगे, और ये केएल राहुल और विराट कोहली ये आपके फर्स्ट टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके थर्ड टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं, तैयार। और यहाँ पे शाद शकील और यहाँ पे शफीक को आप रख सकते हैं, ये आपके फोर्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाते हैं। सो केएल राहुल और जडेजा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके हो जाते हैं 6 टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन। सो चलिए अब बारी है बॉलर और ऑलराउंडर से किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, तो यहाँ पे बुमराह और शाहीन अफरीदी को बना सकते हैं। शाहीन अफरीदी को अगर आपने सिलेक्ट करा है, तो अगर नहीं करा है तो आप यहाँ पे कुलदीप यादव के साथ जा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुलदीप यादव और एच रॉफ, हैरिस रॉफ के साथ आप जा सकते हैं। तो ये आपके 7th टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है, ये 8th टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, कुछ इस तरह से है। आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं, और ये जो टीम है और इसमें हमने जिसको भी ऐड करने के लिए बोला उसे आप दूसरी टीमों में ऐड कर लेंगे उस प्लेयर को, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना लेंगे, तभी आप SL और GL मिनी GL सारा का सारा विन कर पाएंगे, ठीक है। सो कुछ इस तरह से है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और ये जो बेल आइकन है दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख पाएं, ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन जब मिलती है तो हम आपके लिए और भी रिसर्च करके लाते हैं और भी अच्छे से टीम बनाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।